हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वाईफाई स्टडी परिवार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डिफरेंट इंडिया के एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन होता रहता है। तो आज हमारे साथ में कमलेश आए हैं, जिनका भी रिसेंटली जो रेलवे के अंदर जो अपना ELP टेक्नीशियन का जो पेपर है वो उन्होंने क्रैक किया है। और बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, जॉब के अंदर ही इन्होंने अपना टाइम निकाला थोड़ा बहुत, और जो है यूट्यूब वीडियोज की मदद से जो है इन्होंने अपना एग्जाम है जो कि क्रैक किया। तो आज हम मिलने वाले हैं कमलेश से और ये अपनी पूरी जर्नी है जो कि आपके साथ में शेयर करेंगे। क्या मुश्किलें आई, किस तरीके से इन्होंने उसको टैकल किया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, वो कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशन कमलेश। थैंक यू सर। तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे थे आप जब आपने एग्जाम का फॉर्म है जब फिलअप किया था? मैं एक्चुअली इस वेल इंजीनियर हूँ और मैं FS रियल्टी में जॉब कर रहा था। तब 2018 जब वैकेंसी निकली थी और उसमें फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मेरी वैकेंसी निकली तो फॉर्म भर दिया तो क्या हुआ, साइट पर थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। स्लो हो गया तब 4-5 घंटे का टाइम मेरे को मिलने लगा। तो 4-5 घंटे में ये सोचा क्या किया जाए, तभी वैकेंसी निकली, फॉर्म भर दिया गया था। तो उस चक्कर में फिर 4-5 घंटे में फिर मैंने क्या किया, पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई करें कैसे, क्यों 10-12 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, अब पढ़ाई करें कैसे। तो इसके लिए फिर मेरे को यूट्यूब पे मिली वाईफाई स्टडी मेरे को एजुकेशन। कैसे पता लगा आपको वाईफाई? अच्छा, उसके लिए पता लगा मेरे को, मेरी वाइफ ने बताया था। अच्छा, वो पढ़ती थी वाईफाई स्टडी को। तो मेरे को फिर वहीं पे क्या भैया रहते हैं हमारे रूम में, ऊपर फ्लैट पे भैया रहते हैं, तो उन्होंने बताया था, वाइफ को उन्होंने बताया था, फिर मेरे को पता लगा। अच्छा, फिर वाईफाई स्टडी से पढ़ाई स्टार्ट की। ठीक है। फिर वाईफाई से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद उसमें बिल्कुल सिक्वेंस में सब कुछ तैयारी की जा रही थी। पहले मैं किसी और ऐप से पढ़ रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने वाईफाई स्टडी से पढ़ाई स्टार्ट की। वाईफाई स्टडी में क्या है, सब कुछ एक सिक्वेंस में सही तरीके से पढ़ाया जा रहा था बिल्कुल, और उससे मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, उसमें मैं करीब सुबह से लेके जैसे कि होता है 10 बजे मैं ऑफिस साइट पर पहुंच जाता था, 10 बजे बाद फिर जाके पढ़ाई स्टार्ट कर लेते थे। साइट घूमने के बाद 1 घंटा साइट विजिट की। हाँ। साइट देख ली, साइट सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ। बस अपने ऐप चालू किया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई करते रहे 4-5 घंटे, जैसे कोई काम आया साइट विजिट कर ली, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर ली। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मेरा वाईफाई स्टडी से पढ़ने के बाद फिर थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। मेरा फर्स्ट पेपर CBT 1 क्लियर हो गया। अच्छा। CBT 1 क्लियर होने के बाद फिर CBT 2 में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मैकेनिकल थ्योरी की। अब उसमें कैसे पढ़े जाए, और कुछ व्यवस्था थी नहीं, पता भी नहीं क्या आने वाला है पेपर में, क्या नहीं आने वाला, वो सब फिर वाईफाई स्टडी से क्लियर हुआ। क्यों, वहाँ पे सब कुछ सिक्वेंस में पढ़ाया गया। और फिर नीरज सर ने पढ़ाया, भुवनी सर ने, आपसे सर, आपने सब GK पढ़ाई थी बहुत अच्छी तरीके से, साइंस भी कुछ मैंने आपसे पढ़ी थी, कुछ पढ़ाई साइंस भी आपने ये है, और उसके बाद साइंस सर से मैथ मैंने पढ़ी थी सारी कुछ। इस तरीके से मैंने वो सब चीज क्लियर की। पहले तो एक बार लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वाईफाई स्टडी मद से वो सब कुछ पॉसिबल हो गया कि मेरा CBT 1 हो गया, CBT 2 मेरा क्लियर हो गया। अच्छा। CBT 2 में दोनों पेपर ही बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो गए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद साइको के लिए भी, अच्छा, साइको भी बिल्कुल क्लियर हो गया। साइको भी मेरा वाईफाई स्टडी से मैंने पढ़ी थी साइको, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, मेरा साइको भी निकल गया। ये इस तरह से मेरा सब कुछ क्लियर। कितना टाइम लगा, कितने टाइम आपने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करी जर्नी के अंदर, जैसे कि फॉर्म भरने से लेकर CBT 1 जो एग्जाम था उससे पहले कितना टाइम पहले आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी? CBT 1 एग्जाम से मेरे को 2 या 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट करी थी। तीन महीने पहले आपने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता था, काम के साथ में, काम के साथ में, काम रेगुलर चल रहा था साइट पे, जैसे कि हम साइट पे जाते थे साइट पे काम पहले करते थे, उसके बाद जो भी टाइम मिलता था उसमें हम फिर यही पढ़ाई करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है अभी जो जॉब कर रहे हैं कि वो कोचिंग तो जा नहीं सकते, कोचिंग नहीं जाते, पढ़ाई कैसे, पढ़ाई तो सबको ही करना चाहते हैं, पैसे को दिक्कत नहीं, पढ़ाई कैसे करे भाई, टाइम नहीं है सबसे बढ़िया। तो वाईफाई स्टडी की वजह से वो टाइम निकाल के इससे वजह से पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मेरे साथ कुछ और लड़के भी इंजीनियर हैं साइट पे, वो भी पढ़ने लगे, मतलब ऐसा माहौल बन गया साइट पे जो पढ़ने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। और साइट पे पढ़ने के लिए मैंने जगह चुनी, कहा जो लेबर रहती है, हटमेंट लेबर जैसे रहती है ना साइट में, हटमेंट, तो उसमें से एक लेबर की झुग्गी जो होती है वो खाली कराई, वही बैठते थे, टेबल कुर्सी लगा दी, ऊपर चादर थी, वही पढ़ते थे आराम साइट में, बहुत अच्छे तरीके से फिर पढ़ाई होती थी। तो गाइस, जैसे कि कमलेश की जर्नी आप लोगों ने देखी कि काफी जबरदस्त जर्नी है जो कि इन्होंने बताई अपनी, कि किस तरीके से साइट के ऊपर जाके वहां पे पूरा काम जो है इन्होंने प्रॉपर देखा कि साइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके
बाद जो अपना टाइम बचता है, जिसके अंदर काफी लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि अगर किसी ऑफिस के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर नॉर्मली यही होता है, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं साइट के ऊपर जब काम नहीं होता है तो उसके बाद में जो है सब लोग यूट्यूब के ऊपर टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि टाइम सबके पास में लिमिटेड है, और सही टाइम को सही डायरेक्शन में अगर आपने लगा दिया तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में काफी चीजें हैं जो कि आसान हो जाती है। तो इन्होंने जो अपने पास में टाइम बचा हुआ था, आजकल ऑब्वियसली आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर थोड़ा कमी काम है, तो इन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके वहां पे रेगुलर जो है वीडियोस देखे, और उसके बाद में जो है, और लेबर वाले जो रूम के अंदर, एज ए इंजीनियर होने के बाद में भी लेबर वाले रूम के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर भी जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो कमलेश क्या कैसा था, मतलब कैसे आप नोट्स बनाया करते थे या फिर सिर्फ चीजों को डाउनलोड कर लिया करते थे, वीडियो को या पीडीएफ को, कैसे स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? मैंने कि लाइव क्लास नहीं देखी, एक भी लाइव क्लास में नहीं देख पाता, लाइव क्लास कभी लाइव क्लास चल रही होती है, मेरा काम चल रहा होता है, लाइव क्लास पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। क्या कहता है, जैसे क्लास आ गई है, डाउनलोड नहीं करते उसको, फिर प्ले कर लिया जाता था, कर लिए तो उसके बाद फिर नोट्स, हर चीज को मैं लिखता था, ऐसा नहीं पूरा देखा, हर चीज मेरे एक क्लास एक देखने के लिए मेरे को 4 से 5 घंटे लगते थे। अच्छा, 4 से 5 घंटे मैं सब कुछ लिखता था, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो भी सर बोल रहे थे, सब कुछ लिखता था, सारे नोट्स मेरे पास कम से कम 5 से 6 कॉपी ऐसी बड़ी बड़ी जो बच चुकी है, नोट्स बन चुके हैं सब कुछ। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, एक क्लास को देखने को 3 या 4 घंटे मेरे को लगते थे, तो उसे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, और लेकिन रिजल्ट सामने, रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। और ये तो क्या उम्मीद किसी को नहीं, साइट पर भी किसी को नहीं, साइट पर भी ये लग रहा था कि वो कैसे गया। अच्छा, नहीं बिल्कुल उम्मीद किसी को नहीं थी, अब 10-12 साल पढ़ाई छोड़ने का पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाता। फिर मैंने जब फॉर्म भरा, मेरे 2 महीने बचे थे ओवर रेंज में, बाकी 2 महीने बाद अगर जगह निकलती शायद नहीं हो पाता, जो भी है, लेकिन सब कुछ सही रहा, पेरेंट्स का आशीर्वाद, बड़े भैया का आशीर्वाद से, और वाईफाई स्टडी के सपोर्ट से ये चीज पॉसिबल हो पाई। अच्छा, तो अभी घर वाले क्या बोलते हैं? काफी लोगों का अचंभा होता होगा कि 10 साल बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद में जो है इस तरीके से एकदम से पढ़ाई में आके 1 साल के अंदर पेपर क्रैक करना, और वो भी रेलवे की वैकेंसी जो है वो सही टाइम पे आया, वाई फैसिलिटी से ऐसी जॉब लग गया, क्या किया। अच्छा, तो मेरे जो स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ा 10th तक, तो वहां पर मैं टीचर से कुछ मेरे अटेस्टेड फॉर्म जो भरने थे वो साइन ग्रेजुएशन ऑफिस साइन कराने गया, तो वहां बोले आपकी पॉसिबल कैसे हो गई, आप जॉब कर रहे हैं, सब कुछ सिविल इंजीनियर हैं आप, अच्छे वहां 10th तक टॉप रहे थे, 10th क्लास तक, तो वहां पर नाम वाम लिखे हुए हैं ऐसे स्कूल में, तो वहां पर जो एक गुरुजी थे वो पूछ रहे थे आपका कैसे पॉसिबल हो गया, मेरे बच्चे ने सब कोचिंग भी की थी, सब कुछ किया था, फिर पॉसिबल कैसे हो गया। तो ये चीज थी, तो फिर जाके फिर मैंने बताया, मैं जॉब कर रहे थे, मैं वाईफाई स्टडी क्लास थी जिससे हमने पढ़ाई करी, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करी, उससे ये पॉसिबल हो पाया है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप गाइस कि काफी अच्छा मोटिवेशन की स्टोरी है, और इन्होंने किस तरीके से जो है वो एग्जाम निकाला घर पे बैठ के, मतलब कोई कोचिंग इन्होंने ज्वाइन नहीं करी, कोई भी कोचिंग नहीं करी, नहीं, 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 कोई कोचिंग नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई कोचिंग नहीं, तो कोई भी कोचिंग जो है इन्होंने नहीं करी, सिर्फ वाईफाई स्टडी की मदद से मोबाइल, जो कि आज के टाइम में दोस्तों ज्यादातर लोगों के लिए टाइम पास का मीडियम है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, सही तरीके से अगर आप उसको अपने नेट को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपके करियर के अंदर जो है वो कितना ज्यादा बेनिफिट है जो कि हो सकता है। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे मालूम है आप सभी लोग भी जो है वो वाईफाई का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, ताकि और एक पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करो अपने टाइम को जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज करने की। आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है, 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई वापस से सोचेगा कि वापस से चलो पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है हार नहीं मानी, काफी लोगों ने बोला भी होगा कि क्या कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को स्टाफ ने बोला, कुछ लोग थे भी, क्या करो, ट्राई करो, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपने साइड देखो, साइड तो मैं देख ही रहा था, उस टाइम बचने के बाद उस टाइम का क्या करे, मैंने कहा 5 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पबजी तो नहीं खेल सकता, लूडो तो मैं नहीं खेल सकता, मेरा मन नहीं लगा, अगर टाइम है तो सही यूज कर लेते, तो मैंने उसको सही यूज किया और रिजल्ट आपके सामने। तो आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से कमलेश की अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। तो कमलेश क्या एक बार बच्चों को लास्ट 3 टिप्स ऐसे कौन से देने चाहोगे जो कि इनको अपनानी है आपके अकॉर्डिंगली? सबसे पहले तो ये देखना है वो टाइम को सही यूज कैसे करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपने टाइम ये है, हर किसी सबके पास ये रहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 या 3 घंटे 4 घंटे भी रेगुलर पढ़ाई करते जॉब के पास, मैं जॉब वालों के लिए बता रहा हूँ ज्यादातर, जो ये बोलते हैं नहीं मेरे पास जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया, तो मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपके पास अगर टाइम अगर उस पर 4-5 घंटे आप निकाल सकते हैं रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और दूसरी कोई और एक और चीज प्रिपरेशन में क्या चीजें आपने जो करी वो करनी ही चाहिए बच्चों को? प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जो मैंने सोचा है कि अगर आप
कोई मोबाइल या किताब लेके बैठ गए और दिमाग आपका पढ़ाई में नहीं लग रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आपका पढ़ाई वो टोटली वेस्ट है। अगर आप चाहे एक घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, दो घंटे कर रहे हैं, डेडिकेशन है, पूरा ध्यान उस पढ़ाई पे, सब कुछ ये बेसिक्स करके चल रहे हैं, क्लियर करके चल रहे हैं, तो आपको जरूर चीज समझ में आएंगे और सफलता 100% मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, जो भी टाइम आप किताबों के साथ में स्पेंड कर रहे हो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए ना। अगर चाहे आप 10 घंटे मत पढ़ो, अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो टाइम जो है फोकस होके जो है अपनी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। तो ये एक दूसरी बात। और नोट्स को लेकर क्या बताएंगे? नोट्स से टेस्ट सीरीज आपने कुछ ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज या कुछ नहीं? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज कुछ नहीं किया, नहीं किया। जो आपने पढ़ाया है वाईफाई से, मैंने टेस्ट सीरीज आपने प्रॉपर पढ़ाई करा, उसको नोट्स को रिवीजन किया। रिवीजन किया करते थे हर 4-5 दिन में, डेली या 7 दिन 10 दिन में? कैसे रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहा? रिवीजन का ऐसा था, मैंने पहले तो सारी क्लास, जैसे कि मान लो 1 से 35 तक नंबर तक क्लास ले ली, सबको नोट्स बच गए, फिर ये 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं रिवीजन करते थे, फिर उसके बाद 35 क्लास लेकर फिर इस तरह से वो रिवीजन। तो गाइस आप भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि जब आपने 15-20 क्लास देखा, आपने देखा होगा ना नंबर लिखे रहते हैं क्लास के हर के बाद में, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने 20 क्लास ले लिया, आपने 30 क्लास ले लिया, उसके बाद में रिवीजन करने की कोशिश करें। मैं तो आपको बोलता हूँ हर सैटरडे को रिवीजन करो इनफैक्ट, ताकि आपको आपके रिटेंशन जो है वो आपके दिमाग में ज्यादा रहे कंटेंट का। तो होपफुली दोस्तों कि आपको कमलेश की लाइफ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वन सेकंड कांग्रेचुलेशन कमलेश, काफी अच्छी आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी थी कि इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में नॉर्मली जो आजकल अपने जो स्टूडेंट होते हैं, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीजीएल क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, कहीं ना सेकंड अटैम्प्ट के अंदर। नॉर्मली हमने देखा है कि पिछले काफी सारे सक्सेस स्टोरी के अंदर 20 साल 22 साल 25 साल के स्टूडेंट थे, लेकिन इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस से अपने आपको मोटिवेट करना, और वो भी मोबाइल से पढ़ना। कोचिंग में तो नॉर्मली आप देखोगे अबाउ 30 आपको बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि आपको मिल जाते हैं, अबाउ 30 जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ज्वाइन करके एक पेपर क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर वाईफाई स्टडी के ऊपर भरोसा करके इस तरीके से प्रिपरेशन करना और वहां पे एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। तो कांग्रेचुलेशन कमलेश, होपफुली कि आने वाले टाइम के अंदर भी आप और कोई एग्जाम की प्रिपरेशन अभी कुछ सोच रहे हैं आगे भविष्य के लिए कुछ और सोचा है? नहीं अभी अब जस्ट एनटीपीसी में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एनटीपीसी अभी आप तैयारी कर रहे हैं? से कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं और कहना चाहूंगा, निखिल भैया से मेरी फर्स्ट मुलाकात जब हुई थी तो निखिल भैया को मैंने ये बोला था, मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, वाईफाई स्टडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा आप करते रहिए और ये कभी बंद मत करना। ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ कोचिंग नहीं है, कोचिंग नहीं है, जहाँ कोचिंग नहीं है। आजकल तो मोबाइल तो सबके पास है, नेट भी सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए, गांव में भी कुछ लड़के हैं जो वाईफाई स्टडी से कर रहे हैं, बच्चे हैं कर रहे हैं, हमारे गांव में भी है, वैसी सुविधा नहीं है कोचिंग वोचिंग के लिए, वहाँ पे वाईफाई स्टडी से कर रहे हैं, तो उन लोगों से जब वो बताते हैं तो उनसे लगता है बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आप सबके। ये चीज सही है, रियल हीरो आप भी हैं, मैंने आज रियल हीरो के साथ मिलते हैं, बहुत दिन हो गए मिल नहीं पाए, ये अच्छा है निखिल भैया की वजह से आप सबसे मिलना हो गया। तो गाइज ये थी कमलेश की सक्सेस स्टोरी, होपफुली कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी लाइफ से, इनकी स्टोरी से, और ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों। और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो कि अपने वाईफाई स्टडी परिवार के जो स्टूडेंट हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे, और आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन जब तक आपको नहीं मिलेगी किसी की भी स्टोरी से, आप कहीं से भी डिराइव कर सकते हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजीज बताई है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आपका कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। ठीक है, वापस मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के अंदर। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।